हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक दूसरा वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम लोग बात करेंगे एल्बेंडाजोल के बारे में, जो एल्बेंडाजोल किस कंडीशन में लेना चाहिए, इसके यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, डोज क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, कौन से ब्रांड नेम्स में मिलते हैं मार्केट में, सबके बारे में बताएंगे। एल्बेंडाजोल एक एंटी एमेटिक एंड एंटी वॉर्म टेबलेट्स है। जो वॉर्म मतलब जो क्रीमी होता है, हमारे पेट में क्रीमी होता है, कीड़ा होता है, उसको नष्ट करता है ये एल्बेंडाजोल। उस क्रीमी के कारण हमारे पेट में दर्द होने लगता है, डायरिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट्स होता है, और स्टूल्स में ब्लड निकलता है उसके कारण। और अगर ये बच्चों में होता है तो बच्चे बहुत सारे रोने लगते हैं। ये एल्बेंडाजोल उस क्रीमी को नष्ट करता है। ये एल्बेंडाजोल टेबलेट है, इसको आपको चबा के खाना है। किसको वहाँ पे लिखा है अनक्वाटेड च्यूएबल टेबलेट्स। अभी बताएंगे इसके यूजेस। जो ये कभी कभी इस क्रीमी के कारण ब्रेन में भी इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है, कभी कभी मसल्स में भी इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है, कभी कभी आँखों में भी इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण हमें देखने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी यूज़ होता है, और ये पेट में तो इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी यूज़ होता है। अभी बताएंगे इसके डोसेज के बारे में, क्या क्या डोज है, चाइल्ड डोज क्या है, एडल्ट डोज क्या है। दोस्तों, ये चाइल्ड डोज और एडल्ट डोज जो है इसको आप 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। इसका चाइल्ड डोज आता है सस्पेंशन में, बोतल में आता है 200 मिलीग्राम में आता है। ये सिंगल डोज रहता है, इसको पूरा खाना पड़ता है। दो साल के ऊपर जो बच्चे रहते हैं उसको 200 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम पूरा खाना पड़ता है। और ये एडल्ट डोज जो रहता है 12 साल के ऊपर, इसको टैबलेट फॉर्म में आता है 400 mg। अभी इसका बताएंगे साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, एलोपैथिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स होते ही है अगर आपको ओवरडोज हो गया तो। आपको ओवरडोज होने में क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं सब बताएंगे। आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, आपके सीने में दर्द हो सकता है, आपको आपके स्टूल से ब्लड भी आ सकता है। यह है, आपको वोमिटिंग हो सकता है, नोसिया हो सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि ओवरडोज ना हो जाए। अगर आप यूज करते हैं तो डॉक्टर का सलाह मांग के करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप बताएंगे इसके प्रिकॉशंस, जो किस किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जो प्रेगनेंसी महिलाएं होते हैं उसको नहीं लेना है, अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग के पेशेंट है तो उसको भी नहीं लेना है, डॉक्टर्स के सलाह मान के लेना पड़ेगा। और किसी का किडनी में डिजीज है उसको भी डॉक्टर का सलाह मान के लेना पड़ेगा। अभी बताएंगे इसके ब्रांड नेम्स के बारे में, कौन से ब्रांड नेम्स में मार्केट में मिलेंगे। दोस्तों, आपको ये बैंडी के नाम से मिल जाएंगे, जेंटल के नाम से मिल जाएंगे। इसका प्राइस 10 रुपये के अंदर ही रहता है, आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये आप हफ्ते में एक ले सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, या आप ये महीने में 4 ले सकते हैं। ये है एल्बेंडाजोल के बारे में पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।